आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI हेल्थ केयर ऑपर्चुनिटी म्यूचुअल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें रेगुलर ही आपकी जो ग्रोथ है वो होगी। अगर आप इसमें SIP शुरू करना चाहते हैं तब भी आप इसमें SIP भी शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप चाहते हैं नहीं कि हम हर मंथ इसमें पे नहीं कर सकते हैं तो आप एक ही बार में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में जानेंगे कि आखिर हम कितना पैसा यहाँ पर निवेश करते हैं तो आखिर हमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, आखिर जो पैसा हमारा इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है तो वो आखिर किस तरीके से काम करता है, A to Z हम इस वीडियोस में जानकारी जानने वाले हैं। तो चैनल पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो वीडियोस को लाइक शुरू कर दें। बजट है यहां पर 2263 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट है। यहाँ पर जो इसकी रेटिंग है वो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया 2.6 यहाँ पर दिखा रही है इस समय ग्रोथ। ठीक है, इसकी जो रिक्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉट रिक्स, यानी कि इसमें कोई रिक्स ही नहीं है, क्योंकि जो पैसा है जो भी आप इसमें निवेश करेंगे वो पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इसके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि वन टाइम, SIP और इसी के साथ में यहाँ पर कैलकुलेटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम 1 लाख रुपए अगर हम यहाँ पर निवेश करते हैं तो आखिर हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट होगा, इसी के साथ में कितना लॉस होगा वो हम यहाँ पर सब कुछ। मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर निवेश कर दिया है, इसी के साथ में हमने यहाँ पर 2023 सेलेक्ट कर लिया है, 2024 यानी कि 2023 से लेके 2024 तक इसने अब तक कितना रिटर्न यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख पा रहा है जो इसके हाई रिटर्न है वो ये है, आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है 47 पॉइंट यानी कि 72। अगर आप इसमें 1 लाख रुपए यहाँ पर निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे देखने को मिल गया है ये प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन देखने को मिल गया है, तो यहाँ पर ये प्रॉफिट है 47,720 रुपए, यानी कि एक साल में अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे को यहाँ पर निवेश करते हैं, ठीक है, तो आपको 47,000 से लेकर 48,000 तक का यहाँ पर ये प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अभी अगर जो लोग यहाँ पर FD करते हैं, अगर वो लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड में पैसे को अपने यहाँ पर निवेश करते हैं तो वो अधिक यहाँ पर प्रॉफिट पा सकते हैं। इस वीडियो का बनाने का मतलब सिर्फ यही है। ठीक है, इसी के साथ में इन्होंने बताया है कि जो एक वीक में इन्होंने रिटर्न दिया है यानी कि 1.6 तक का दिया है, यानी कि माइनस से लेकर। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक मंथ, यानी कि एक मंथ में इन्होंने 3.72 का दिया है कम में कम, और अधिक में अधिक 3 पॉइंट यहाँ पर इन्होंने 35 का दिया है। इसी के साथ में यहाँ पर तीन मंथ में इन्होंने 17.82 और अधिक में अधिक इन्होंने 19.29 का दिया है। यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी वाई इन्होंने लिस्ट एक दे दिया है। ठीक है, यानी कि आप इसमें जो निवेश है वो अधिक समय के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कम समय के लिए यहाँ पर निवेश करते हैं तो वो आपको निवेश इसमें करना नहीं। अब चलिए जो मोटी मोटी बातें हैं वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो इसकी NAV है वो है 325, इसी के साथ में इसने कभी भी यहाँ पर लॉस अभी नहीं दिया है, 2.5 यानी कि ऊपर की ही तरफ चल गया है, तो यानी कि अभी तक यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर आप रिक्स से देख सकते हैं, जो कि रिक्स है वो यहाँ पर नॉट रिक्स, यानी कि किसी भी तरीके का नुकसान तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन देखने को मिल जाती है, इसी के साथ में SIP आप इसमें कम से कम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ 500 इसी के साथ में साल में। ठीक है, अगर आप 500 रुपए और इसने जो प्रॉफिट दिया है 1725 रुपए का, यानी कि 56% तक का इन्होंने यहाँ पर रिटर्न दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो म्यूचुअल फंड है वो है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो पैसा इनका इन्वेस्ट करता है, जो कि ऐसी कंपनियां हैं जो कि दवाइयां बनाती हैं। ठीक है, फार्मेसी से रिलेटेड है, ये लॉस के चांसेस है वो यहाँ पर नामे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं होता है, लॉस होता है, पर यहाँ पर लॉस तभी होता है जैसे कि लॉकडाउन लग जाता है। ठीक है, या फिर लॉकडाउन तब लगता है जब सारी कंपनियां यहाँ पर बंद हो जाती हैं। ठीक है, तब उनकी जो शेयर की जो वैल्यू है वो गिरने लगती है,
और ऐसे में यह है जो हर म्यूचुअल फंड सही चाहे कोई सा भी बाजार सही मार्केटिंग से रिलेटेड ठीक है वो सारे के सारे यहाँ पर डाउन होने लगते हैं, तभी यहाँ पर म्यूचुअल फंड सही चाहे कोई दूसरी स्कीम सही ठीक है तभी वो यहाँ पर उनकी जो रेटिंग्स वगैरह हैं और जो उनकी NAV है तभी गिरती है ठीक है। तो इसमें जो गिरने की बात कर लेते हैं वो तो नहीं है क्योंकि हेल्थ केयर है, क्योंकि जो हेल्थ से रिलेटेड कंपनियां हैं ठीक है, दवाइयां बनाती हैं फार्मेसी से रिलेटेड ठीक है, तो उन्हीं में ही इनका जो पैसा है निवेश होता है और आप जानते हैं कि बीमारी है वो अधिक ही बढ़ रही है। अच्छा म्यूचुअल फंड है और आप इसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं, हालांकि आपको समझना चाहिए कि आखिर इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है। तो मेरी राय यह है कि अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो अच्छा है, आप SIP शुरू कर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।